एक घटना की चर्चा इस वक्त पूरे देश में है, नागालैंड फायरिंग। आज गृह मंत्री ने भी संसद में बताया कि सेना ने जिन पर फायरिंग की थी उनकी पहचान गलत साबित हुई, यानी सेना के पूरे ऑपरेशन में कुछ ना कुछ चूक जरूर हुई और निर्दोष नागरिक मार दिए गए। अखबारों को पलटे और बयानों को देखे तो ये मामला बहुत सीधा नजर आता है, लेकिन ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। दरअसल पूरे मामले में बहुत बड़ी डबल गेम हुई है। हमने इस मामले की पूरी इनसाइड स्टोरी पता लगाई है। वाकई में सेना से कोई चूक हुई है या फिर मामला कुछ और है, खास रिपोर्ट में देखिए। ये तो गलत हो रहा है ना। जब तक आफ्सपा रहेगा नॉर्थ ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है आज, नॉर्थ ईस्ट में क्या अमन है वहाँ पर? गृह मंत्री को जिम्मेदारी खुद पर लेनी चाहिए और फिर बयान देना चाहिए। भाषण तो बहुत होते हैं, ऐलान तो बहुत करते हैं, लेकिन असलियत में धरातल पे हम जो देख रहे हैं उसमें हमें बड़ा चिंता बढ़ रहे हैं। नागालैंड फायरिंग के मुद्दे पर एंटी मोदी लीडर्स अपने बयानों की तलवार पर धार दे रहे हैं। 4 दिसंबर की शाम की घटना थी, 48 घंटे से ज्यादा बीत गए, लेकिन नागालैंड पर सियासत थम नहीं रही, सियासत और सुलगाई जा रही है। नागालैंड का हवाला देकर विपक्ष माहौल ये बना रहा है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट अशांत हो गया है, आग में जल रहा है। आखिर सच क्या है? सारी कहानी अब अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पर आकर ठहर गई है। ओवैसी ने बयान दे दिया है, कांग्रेस नाकामी का आरोप लगा रही है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन आखिर सच है क्या? आने वाले 10 मिनट में हम आपको इन सवालों के जवाब देंगे। आखिर आजादी के 75 साल बाद भी नागालैंड में शांति स्थापित क्यों नहीं हो रही है? किन परिस्थितियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अफस्पा लगाना पड़ा था? नागालैंड के विरोधियों की वो कौन सी मांग है जो समझौते में सबसे बड़ी रुकावट है? आखिर 4 दिसंबर 2021 को नागालैंड में अचानक सेना को फायरिंग क्यों करनी पड़ी? आखिर नागालैंड में इस वक्त क्या चल रहा है? आज गृह मंत्री ने नागालैंड की घटना पर जो बयान दिया है उससे पता चलता है कि नागालैंड के मोन जिले में हिंसा की घटना 3 बार हुई। सबसे पहली 4 दिसंबर को जब सेना ने फायरिंग की तो 6 नागरिकों की जान गई। हिंसा की दूसरी घटना 4 दिसंबर को ही तब हुई जब ग्रामीणों की भीड़ ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया और सेना को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 7 नागरिकों की मौत हुई। और हिंसा की तीसरी घटना 5 दिसंबर को हुई जब मोन जिले में ही ग्रामीणों ने सेना के एक बेस को घेर लिया और सेना ने जवाब में फायरिंग की, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने एक घटना की पूरी डिटेल दी है। अंबुस के दौरान एक वाहन अंबुस के स्थान के समीप पहुंचा, उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के 1 जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मोन शहर में
असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने सीओबी के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई। निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई, लेकिन आखिर ये कैसे हुआ? आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? क्या सेना को नागालैंड विद्रोहियों का गलत इनपुट दिया गया? क्या सेना की टुकड़ी ने एक्शन लेने से पहले सावधानी नहीं बरती? क्या फिर सेना को फंसाने के लिए कोई गलत खुफिया सोर्स बकायदा नगा विरोधियों ने ही प्लांट करवाया? इंडियन आर्मी इतनी कैपेबल है कि कभी चूक हो नहीं सकती है, फिर भी नागालैंड में आखिर क्या हुआ? हमने आर्मी से ही इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की है। हमने रिटायर्ड कर्नल दिवाकरन पदम कुमार पिल्लई से बात की। कर्नल पिल्लई भारत के कई डिस्टर्ब एरियाज में पहले ही काम कर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्रों में काम करने का अनुभव कर्नल पिल्लई को है। मणिपुर के तमेंगलांग जिले में वीरता के लिए उन्हें शौर्य चक्र मिल चुका है। हिंसा के दौरान मणिपुर की एक जनजाति के बच्चों की जान बचाने के लिए उनकी प्रशंसा हुई थी। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट की उस जनजाति ने ही कर्नल पिल्लई को अपनी जनजाति का सम्मानित सदस्य माना था। नॉर्थ ईस्ट के डिस्टर्ब एरियाज की समझ रखने वाले कर्नल पिल्लई ने जो बातें बताई हैं, उन पर हर किसी को गौर करना चाहिए। तो अगर याद होगा, जब कर्नल त्रिपाठी का जो एम्बुश हुआ था, उसमें एक कोनियाक राइफलमैन था जो इस गांव के होतीन गांव के जो कोनियाक ट्राइब का आदमी था, और उनके फादर के जो स्पीच था आपने सुना होगा कि मैंने अपने दो बेटों को नो इंडिया के लिए दिया है और इंडिया का रक्षा मेरे नो इसमें। और ये आप जानते हैं कि एनएसएन और बाकी कई लोग हैं जो इस पीस टॉक से काफ़ी उनका जो इक्विलिब्रियम है, जो उनका स्टेटस और उनका कंट्रोल है, वो काफ़ी निकलने मीन्स लूजिंग कंट्रोल वहाँ पे। तो ये मुझे लग रहा कि जिस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया था, वो आर्मी का सिस्टम काफ़ी क्रेडिबल है, जहाँ पे वेरीफाई करता है। ये नहीं कि ना एक कंपनी लेवल का नहीं है, कोर लेवल में स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया था, तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्रेडिबल। मुझे ये लगता है कि ये प्लान किया गया इन्फॉर्मेशन था, ताकि ये जो कोनियाक ट्राइब है, इस गांव के जो है लोग जो हमेशा आर्म फोर्सेज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रहे हैं एनएसएन के खिलाफ, इनके खिलाफ ये जो डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए एक क्रेडिबल सोर्स को शायद खरीदा गया होगा उसको, या उसको कोई धमकी दिया होगा, उससे प्लान किया गया इन्फॉर्मेशन है, जिसके कारण ये ऑपरेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं तो काफ़ी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन था कि एनएसएन के कार्डर रिमूव कर रहे हैं, ये सब था। और स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं होता है, मगर तभी होता है जब बहुत ही क्रेडिबल एंड डिटर्मिंड ऑपरेशन है, जो जिसमें उस लेवल का ट्रेनिंग और उस स्तर का कैलिबर के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। शौर्य चक्र से सम्मानित कर्नल पिल्लई ने संकेत दिया है कि आखिर नागालैंड के मोन जिले में क्या हुआ है। एनएससीएन नगा विद्रोहियों का सबसे बड़ा संगठन है। नागालैंड की कोनियाक ट्राइब हमेशा भारत और सेना के साथ खड़ी रही। सेना को सूचना ये मिली कि एनएससीएन का कार्डर मूव कर रहा है, लेकिन ये सूचना गलत दी गई। जिस वाहन में एनएससीएन के कार्डर को बताया गया, उसमें कोनियाक ट्राइब के लोग थे। सेना ने सूचना के आधार पर वाहन नहीं रुकने पर फायरिंग कर दी। गलती से एनएससीएन के कार्डर की बजाय कोनियाक ट्राइब के लोग मर गए, जिसके बाद कोनियाक ट्राइब और सेना के बीच संघर्ष हुआ। और यही तो एनएससीएन चाहती। क्या वो साल 2015 के बाद से नागालैंड में जारी शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रही? और वैसे भी देखेंगे आप, 2015 के बाद में काफ़ी कम हो गए थे इंसिडेंट्स, एंड डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ चल रहा था वहाँ पे। नागालैंड में काफ़ी पीस और ये है, और 2015 के जो 14 पॉइंट अकॉर्ड था, जो उसके साथ हो रहा है, बातचीत हो रहा है, तो ये डेफिनेटली एक साजिश था, और जिसमें हम लोग गिर गए, आर्म फोर्सेस हमारे ट्रैप हो गए उसमें। कोनियाक ट्राइब की कुल आबादी 3 लाख है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में भी कोनियाक ट्राइब है। नागालैंड में कोनियाक सबसे बड़ी जनजाति में से एक है। कोनियाक को वॉरियर ट्राइब यानी योद्धा जनजाति माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट की यह जनजाति हेड हंटर्स के नाम से प्रसिद्ध है।
कोनिया की वजह से ही विद्रोही गुट NSCN IM मोन जिले में अपना बेस नहीं बना पा रहा था। कोनियाक भारत के साथ शांति प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे थे, इसी वजह से विद्रोही गुट NSCN काफी परेशान था और अब फायरिंग की इस घटना की वजह से शांति प्रक्रिया को धक्का लग सकता है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हिंसा में जो लोग मरे हैं वो कोनियाक ट्राइब के हैं। अगर सेना की स्पेशल फोर्स के द्वारा रोकने पर लोग रुक जाते तो भी ये हादसा नहीं होता, लेकिन कोनियाक ट्राइब के इन लोगों ने वाहन इसलिए नहीं रोका क्योंकि ये खदान में मजदूर थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से माइनिंग बंद है। इन कोनियाक ट्राइब के खदान मजदूरों को लगा कि उन्हें पुलिस रोक रही है, इसीलिए उन्होंने गाड़ियां तेजी से निकाली और यहीं पर सेना का ये शक पुख्ता हो गया कि ये उग्रवादी हैं, जबकि ये एक गलत फहमी साबित हुई और इस गलत फहमी का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करने में विपक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसने इन्फॉर्मेशन दी? क्या उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, उन लोगों को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स की हत्या कर दी? कोई ताल्लुक नहीं है उनका सेपरेटिस्ट ग्रुप से। और फिर तीसरा ये कि यही सरकार मुख्तलिफ सिक्योरिटी ग्रुप से बात कर रही थी, आपने यहां तक कह दिया कि शेयर्ड सॉवरनिटी, क्या निकल रहा है? होम मिनिस्टर जवाब दें इसका, क्या शेयर्ड सॉवरनिटी था ये? और मणिपुर में नवंबर में 7 सिक्योरिटी पर्सनल को मारे गए, बाद में पलटा के आपने वो कर दिया, तो ये तो गलत हो रहा है ना। जब तक आफ्सपा रहेगा नॉर्थ ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है आज, नॉर्थ ईस्ट में क्या अमन है वहां पर? वहां आर्मी ने निर्दोष लोगों को मारा है और यहां सरकार ने निर्दोष सांसदों की अधिकारों की हत्या की है, मंशा तो एक ही है। सर आखिरी सवाल आपसे, गृहमंत्री ने जो बयान दिया है इंसिडेंट को लेकर नागालैंड के, उस पे शिवसेना सेटिस्फाई है? नहीं, सिर्फ खेद व्यक्त करने से ये मामला नहीं होता है। गृह मंत्री को जिम्मेदारी खुद पर लेनी चाहिए और फिर बयान देना चाहिए। एक तो जम्मू कश्मीर के लेकर हम संभाल नहीं सकते, हालात ठीक नहीं है, फिर अगर नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरीके की तनाव पैदा हो, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हो, तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये कभी अच्छा संकेत नहीं मिलने वाला है। आज कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह पर बड़े बड़े आरोप लगा रही है, लेकिन सच ये भी है कि नागालैंड की समस्या से गांधी परिवार से आए तीन तीन प्रधानमंत्रियों को जूझना पड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी। अपने कार्यकाल में नागालैंड में कोई शांति समझौता नहीं करवा पाए। कांग्रेस के 60 सालों के राज में नागालैंड की समस्या और ज्यादा बड़ी होती गई। अब जरा ये भी समझते हैं कि नागालैंड की अशांति से भारत को 1947 के बाद से ही लगातार क्यों जूझना पड़ा। नागालैंड के इलाके पर 1816 में बर्मा ने हमला कर दिया था। 1826 में नागालैंड के इलाके पर अंग्रेजों ने वर्चस्व जमाना शुरू किया। 1892 तक नागालैंड के पूरे इलाके पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेज यहां पर शांति स्थापित करने में कामयाब रहे। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ, नागालैंड के इलाके में विद्रोह हो गया। नगा विद्रोहियों ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। 1958 में नगा विद्रोहियों ने अपनी आर्मी और सरकार भी बना ली। उस वक्त केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार चला रहे थे। नागालैंड के इलाके नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में लगातार अशांति जारी थी। हिंसाग्रस्त इलाकों में शांति के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अफ्सपा लेकर आए थे। मिजोरम को स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा दिया गया तो वहां पर शांति स्थापित हो गई, लेकिन 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद भी शांति स्थापित नहीं हो पाई क्योंकि नगा विद्रोही भारत सरकार से लंबे समय से दो मांगे कर रहे हैं, पहला अपना एक अलग झंडा और दूसरा अपना एक अलग संविधान। इन दोनों ही मांगों को भारत सरकार अस्वीकार कर चुकी है। अब ताजा हिंसा की घटना के बाद नागालैंड में एक बार फिर उग्रवादी गुटों को मौका मिल गया है। लोगों की भावनाओं के मुताबिक नागालैंड के मुख्यमंत्री निफ्यू रियो ने भी अफ्सपा हटाने की मांग की है। नहीं, हम मिनिस्टर से बात किया, वो उन लोग का वोट सीरियस से ले रहा है, उन लोग को 11 लाख दिया
और भी 5 लाख दिया। एसपीए तो ये जो हम लोग भी हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछता है ये कि ये रिमूव करो, इसलिए हम हिंदुस्तान है बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। नागालैंड शांति की तरफ बढ़ रहा था और फिर नागालैंड में अफसपा जारी रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन अब ताजा हिंसा की घटना के बाद सरकार को बहुत ज्यादा सावधानी से हालात पर काबू पाना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।